एक दिन अपने भी नाम का शोर आएगा। लोगों का वक्त आता है, अपना दौर आए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, आप लोगों को वर्कआउट वगैरह सब अच्छे से चल रहा होगा। सो दोस्तों, ज़्यादातर मैं इंडियन देसी बॉडी बिल्डर का वर्कआउट ज़्यादा कवर करता हूं, बट आज का वर्कआउट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होने वाला है। आज का जो वर्कआउट का वीडियो मैंने कवर किया है वो दूसरे कंट्री का देसी बॉडी बिल्डर का कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भाई का वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। भाई ने अपने वर्कआउट का वीडियो मेरे को दूसरे कंट्री से भेजा है। अगर भाई का वर्कआउट आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले भाई के वर्कआउट देखते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इमीडिएटली अलर्ट, उसको इग्नोर मत करो। इससे जरूरी और कुछ नहीं। जब तक प्रैक्टिकली किसी भी चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आपको कुछ समझ नहीं। अगर इस तरह से आपने देख लिया तो आपको एकदम समझ आ जाएगा कि अच्छा ये खेल होता, तब मजा आएगा लाइफ में जीने में। अपने आप को बदल सकते हो क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और क्या है लाइफ में बताओ। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शंस की वजह से, जीने की कोई वजह भी तो चाहिए ना। तो है अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी। कि जो हमारे बिलीव्स है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शंस का जो एक्शंस हम ले रहे हैं। हर चीज को उठा करके पास पे डाल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा दो। हाँ, अगर चाहोगे तो क्या सबको बदल सकते हैं? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा, या उनके अंदर भी खुद को बदलने की चाह उठेगी या नहीं उठेगी? जैसे मैं सच को देख लेता हूं, हम पावरलेस हूं, इसलिए सच को ज्यादा लोग देखते ही नहीं, यहां तक जाते ही नहीं। जब आपको दिखे कि आपको कोई भी एक्शन छोटा नहीं है, छोटा बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया, तो अब आपकी सोच बड़ी हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको भाई का वर्कआउट और भाई की बॉडी? भाई की बॉडी तो मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई की बॉडी आप लोगों को कैसी लगी। भाई ने जो बॉडी बनाई है वो देसी वर्कआउट और हार्ड वर्कआउट के थ्रू बनाई है, मतलब कि विदाउट जिम गए भाई ने ऐसे घर पर और देसी तरीके से भाई ने जबरदस्त तरीके की बॉडी बनाई है। अगर आप लोगों को भाई का वर्कआउट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और भी आपके भाई के वर्कआउट के वीडियो चाहिए तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आगे आने वाली वीडियो में और भी भाई के वर्कआउट कवर कर सकूँ। ठीक है, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि और भी आपको भाई के वर्कआउट का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ लोग अपने वर्कआउट के वीडियो के लिए मेरे को मैसेज वगैरह करते रहते हैं, वीडियो पे ही कमेंट करते रहते हैं कि हमें अपने वर्कआउट का वीडियो भेजना है, कहाँ से कैसे भेजने, हमें आपसे कुछ पूछना है। तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी STY1000 है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉलो करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऐसे देसी वर्कआउट देसी फिटनेस रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।